दोस्तों, आप 90 के दशक की बहुत सी अभिनेत्रियों को जानते होंगे जिन्होंने अपनी एक्टिंग और कातिलाना अदाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था और आज तक दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं। इन अभिनेत्रियों में से काफी अभिनेत्रियां तो ऐसी हैं जो दर्शकों की क्रश आज भी है और दर्शक उन्हें देखना आज भी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दूसरों के क्रश बनने वाली इन अभिनेत्रियों का पहला क्रश कौन था? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं 90 के दशक की कुछ एक्ट्रेसेस के पहले क्रश के बारे में। नंबर 8, मनीषा कोइराला। बात करते हैं 90 के दशक की अभिनेत्री मनीषा कोइराला की, जिन्होंने 1991 में अभिनेता विवेक मोशराण के साथ फिल्म फर्स्ट लव लेटर में काम किया था और तभी से ही अभिनेता विवेक मोशराण इनके क्रश बन गए थे। मनीषा कोइराला विवेक मोशराण के हैंडसम लुक और उनकी एक्टिंग को काफी पसंद करती थी, जिसकी वजह से ये उनके पहले क्रश बन गए थे। नंबर 7, शिल्पा शेट्टी। अब बात करते हैं फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी के बारे में, जो 90 के दशक से ही आज तक दर्शकों का दिल जीतती आ रही हैं और काफी दर्शकों की क्रश बन चुकी हैं। मगर 1994 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से इनके पहले क्रश अभिनेता अक्षय कुमार बन चुके थे, जिनको देखने के लिए ये बार बार शूटिंग पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी और इन्हें अक्षय कुमार की पर्सनैलिटी और हैंडसम लुक बेहद पसंद था। नंबर 6, रवीना टंडन। अब बात करते हैं 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन की। बता दें, दिलवाले फिल्म में काम करने के दौरान ही अजय देवगन इनके पहले क्रश बन चुके थे, जिनका शांत स्वभाव उन्हें बेहद पसंद था और जिस तरह से वो अपना स्टाइल कैरी करके रखते थे, रवीना टंडन को ये बहुत पसंद था। नंबर 5, करीना कपूर खान। 90 के दशक से ही सबका दिल जीतने वाली अभिनेत्री करीना कपूर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पहले क्रश अभिनेता ऋतिक रोशन हैं। जी हाँ, 2001 में फिल्म यादें की शूटिंग के दौरान ही ये इन्हें इतना पसंद करने लगी थी कि ऋतिक रोशन इनके क्रश बन चुके थे और इनकी एक्टिंग को वो बार बार देखती थी। नंबर 4, काजोल। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम शामिल है अभिनेत्री काजोल का, जिन्होंने अपने अंदाज और कातिलाना अदाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया हुआ था। मगर इनके पहले क्रश अभिनेता अक्षय कुमार थे। जी हाँ, 1994 में ये दिल लगी फिल्म में काम करने के दौरान ही अक्षय कुमार को अपना दिल दे बैठी थी, जिसकी वजह से ये बार बार अक्षय कुमार को देखा करती थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी। नंबर 3, माधुरी दीक्षित। 90 के दशक से चली आ रही धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित आज अपनी एक्टिंग और डांस की वजह से दर्शकों की फेवरेट बन चुकी हैं और ये दर्शकों की क्रश हैं। लेकिन इनके पहले क्रश अभिनेता संजय दत्त हैं। इन्हें संजू बाबा का बेधड़क अंदाज और उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनके हैंडसम लुक भी काफी ज्यादा पसंद आया था, जिसकी वजह से ये उनकी दीवानी हो चुकी थी और उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। नंबर 2, जूही चावला। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बात करते अभिनेत्री जूही चावला की, जिनके क्रश अभिनेता आमिर खान थे। जी हाँ, 1988 की फिल्म कयामत से कयामत तक की शूटिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी और उसी दौरान जूही चावला आमिर खान को अपना दिल दे बैठी थी, जिसके बाद काफी फिल्मों में दोनों साथ में नजर भी आए थे और इन दोनों की जोड़ी को भी दर्शक बेहद पसंद करते थे और जूही चावला सबसे ज्यादा उस फिल्म को करती थी जिसमें आमिर खान नजर आते थे। नंबर 1, रानी मुखर्जी। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी अपनी एक्टिंग और गॉर्जियस लुक से दर्शकों को अपना दीवाना बना लेती हैं। मगर ये अभिनेता गोविंदा को अपना दिल दे बैठी थी। जी हाँ, एक समय पर अभिनेता गोविंदा रानी मुखर्जी के क्रश रह चुके हैं। फिल्म प्यार दीवाना होता है में रानी मुखर्जी ने पहली बार गोविंदा को देखा था और आगे भी इनके साथ कई फिल्में दी थी। वहीं से ये गोविंदा के हैंडसम लुक और पर्सनैलिटी की दीवानी हो गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने गोविंदा के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए गोविंदा की फिल्मों में ही काम किया और बाकी प्रोजेक्ट्स को छोड़ दिया। वेल, दोस्तों, आप इन अभिनेत्रियों के क्रश के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।